देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू की उपलब्धियों को गिनाते हुए ये दावा किया कि अब की देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे रहे प्रोजेक्ट नेहरू जी के देन है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ साथ भारत के नव निर्माण और लोकतंत्र को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है, जिसके चलते भारत हमेशा उनका ऋणी रहेगा। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बलदेव ठाकुर ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में स्वर्णिम युग रहा है। उन्होंने कहा कि वह देश के पहले प्रधानमंत्री थे और 17 सालों तक बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने जो देश के विकास के लिए कार्य किए, यही नहीं उन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोए रखा। इसको भारत के लोग कभी भी नहीं भुला पाएंगे, जिसके चलते आज सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें नमन करते हैं। भारत वर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो 14 नवम्बर आज जन्मदिन मनाया जाता है, यहाँ सोलन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, शहरी कांग्रेस कमेटी और सभी पदाधिकारियों ने मिलकर उन पर फूल मालाएं अर्पित की। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के वो शख्स रहे हैं जिनके युग को स्वर्णिम युग कहा जाता है। इन्होंने 17 वर्ष तक भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में जो अथाह काम किए और एक सूत्र में बांधा, हम आज पूरी कांग्रेस कमेटी उनको नमन करती है और पुष्पांजलि के माध्यम से उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।